और सरकारी नौकरी में वैकेंसी का अभाव, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति में देरी, विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षाएं, रिजल्ट में हुई देरी के चलते सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं युवा। हम बात कर रहे हैं बड़वानी जिला मुख्यालय पर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करने वाले एमए पास युवा मनीष नरगावे और MSW जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले धीरेंद्र नरगावे के। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवा मनीष नरगावे कहते हैं कि उन्हें 2016 में एमए पास किया था, कई बार अप्लाई भी किया, पिछले कुछ साल से तो वैकेंसी निकल नहीं रही है और निकलती भी है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मनीष जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं और क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैंने एमए किया हुआ हूँ अभी और 2017 से किया था और कई बार अप्लाई किया वैकेंसियों में, मतलब जॉब में, और अभी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ। क्या सैलरी मिलती है यहाँ पे? 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, सुबह 9 बजे आना पड़ता है और 7 बजे तक रहना पड़ता है। आप पढ़े लिखे हो, एमए करा है और पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन करना ही पड़ता है। कैसे चलाते हो घर परिवार? अभी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर। क्या वजह की आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब? सर, सिक्योरिटी गार्ड बेरोजगारी की वजह से, मतलब बहुत तैयारी करने के बाद 2016 में MSW करा हुआ था, इससे मतलब अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ गई, इससे मतलब अभी घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा, इसलिए मतलब सिक्योरिटी गार्ड करना पड़ रहा है। क्या वैकेंसी नहीं निकल पा रही, क्या वजह? हाँ सर, वैकेंसी बहुत कम निकाल रहे हैं, मतलब निकल नहीं रही है सर। मनीष जी, आप